हमने जेपीसी की डिमांड बहुत पहले करी थी और अब लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ये तथ्यों के आधार पर अगर निष्पक्ष जांच नहीं होगी और वो लोग अगर संदिग्ध हैं और शक के घेरे में हैं जो खुद जांच करते हैं या जो कानून की पालना इंश्योर करते हैं, तो फिर सच्चाई के सामने आएगी। और कांग्रेस पार्टी की जो डिमांड है बिल्कुल जस्टिफाइबल है और जेपीसी के अलावा और कोई तरीका नहीं है कि इसके तह तक पहुंचा जाए, क्योंकि बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। और मैं समझता हूं कि भविष्य में अर्थव्यवस्था के अंदर, निवेशकों के अंदर जो हम लोगों को कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए, वो तभी हो पाएगा जब सच्चाई सामने आएगी। और उसका तरीका, सही तरीका ये होगा, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, तथ्यों पर अपना तहकीकात करेगी और सच्चाई सामने आएगी। मुझे लगता नहीं कि सरकार इसमें बैकफुट पे क्यों है। अगर हम जांच की मांग करते हैं तो उससे कतराना नहीं चाहिए सरकार को। सर, भाजपा के सोशल मीडिया हेड हैं अमित मालवीय, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर ट्वीट किया और एक एक कंपनी में कितना कितना उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे राहुल जी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में, हमारा फोकस ये है कि इस देश के अंदर लोगों का शोषण ना हो, लोगों के साथ बेईमानी ना हो, और अगर कहीं आरोप लगते हैं तो ये तथ्यात्मक जांच अगर नहीं होगी तब तक हम सच तक नहीं पहुंच सकते हैं। और अगर ये खुलासा हुआ है और कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने जेपीसी मांग की है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। आज से पहले भी जेपीसी कमेटी बहुत बार बनी है और जांचें हुई हैं, तो जांच के लिए सरकार को सामने आना चाहिए। बीजेपी कह रही है अस्थिरता लाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। अरे जांच करके क्या, सारे पूरे विपक्ष के ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी रोज छापे मारती है, जांच करती है, तब तो अस्थिर नहीं होता। और जेपीसी में सब पार्टी के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कोई एक विशेष दल का या विपक्ष का उसमें रोल होता है, पूरे पार्लियामेंट्री अलग अलग दलों के लोग उसमें होते हैं। और अनेकों बार अनेकों मुद्दों पर जेपीसी पहले बनी है, तो एआईसीसी और कांग्रेस की जो मांग है बिल्कुल जायज है और सरकार को तुरंत प्रभाव से जेपीसी बनानी चाहिए। ये तक कहा जा रहा है कि